Yeah, let's go. 22 तक पढ़ाई, 25 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट और फिर मौत का इंतजार. दत्त, ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीना चाहता हूँ. मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. ये रहा आप देखो देवप्रयाग, और भाई फुल मस्ती. उसका रास्ता वहां से देखो, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह. आप आओ विजिट करो. रात को यहाँ बहुत ठंड हो जाती है. लास्ट टाइम मैं यहाँ नीचे रिजॉर्ट नीचे ही होटल पे रुका था. डेट कॉस्ट अराउंड 500 रुपये लिए थे उन्होंने मेरे से, 500. और यहाँ का खाना भाई ऑसम, स्पेशली यहाँ का खाना खाओ. हम मैं आता हूँ हमेशा तो यहीं का खाता हूँ. हैट्स ऑफ है यार, देख रहे हो नेपाल से केदारनाथ. कीप इट अप बड़ी, कीप इट अप. Let's meet there. Salute है भाई, ये लोग साइकिल से केदारनाथ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है. Good bro, good, keep it up. बहुत अच्छी बात है भाई, ये लोग इतनी दूर से आ रहे हैं यहाँ पे और करना ना बहुत मुश्किल है. वो बच्चे भाई नेपाल से आ रखे हैं, सोचो. पहले इंडिया का वीज़ा लिया इन्होंने, फिर वहाँ से यहाँ आए ये लोग. बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, बहुत सारी अच्छी. इस रोड का मज़ा है, एक्चुअल कहूँ ना ये रोड होनी चाहिए, प्लेन नीट क्लीन. गोबर वगैरह तो चलेगा वो भी. एक तो अपना उत्तराखंड है ना भाई, गॉड लैंड्स है, गॉड लैंड है ही है, चाहे कुछ भी हो कह दो आप, है. आपको हर जगह ना मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर. भगवानों का तो, भगवानों की जगह तो होगी होगी, देवभूमि होगी होगी. और खुद सोचो ना भाई, भोलेनाथ यहाँ पे, पांडव यहाँ पे, राम जी यहाँ पे, हर कोई. इट इज़ नाइस, अच्छा लगता है यार, एंड फीलिंग प्राउड ऑल्सो कि यार अब मैं उत्तराखंडी हूँ भाई. 85-90, व्हाट द हेल वी आर डूइंग भाई. रुद्रप्रयाग से आगे कनेक्ट होंगे, मुझे लग तो ना हम पहुँच पाएंगे, बट लेट्स सी कितना बजे तक पहुँचते हैं, देखते हैं. कह रहा हवा, एसी वाली हवा. वो स्टैंड मैन आ गया. कीर्ति नगर, ये कीर्ति नगर है गाइस. तब हम कीर्ति नगर आ गए, कीर्ति नगर से सीधा हम ऊपर पकड़ेंगे श्रीनगर वाली रोड, और फिर वो हमें श्रीनगर कनेक्ट कर देगा. कीर्ति नगर से नीचे देखना अलग ना था भाई साहब, अलग ही लेवल की दिखती, अलग ही. ये भाई कितना अलग ही रूप है ना, अभी आगे दिखाऊंगा और अलग कलर दिखेगा आपको. चलो थैंक्स टू गॉड ये रोड इन्होंने इतनी अच्छी कर दी. पहले हलवा थी ये रोड, सच्ची बता रहा हूँ. मैं जिस टाइम पे आया था ना बहुत गंदी रोड थी. श्रीनगर बचा है बस 5 किलोमीटर. अभी लगा था मेरे पीछे के ब्रेक फेल हो गए, बट होता क्या है ना समटाइम, अभी भाई बता रहा था कि अगर आपका क्या कहते हैं बेसिकली, अगर आप काफ़ी देर मतलब यूज़ कर रहे हो ना सिंगल ब्रेक, तो उसमें दिक्कत आ जाती है. वो क्या होता है समटाइम ऐसा लगेगा आपके ब्रेक फेल हो गए, बट इट्स नॉट. वो होता क्या, हीट ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो हीट होने के कारण वो लगते नहीं है ब्रेक. तो ये चीज़ है, अब मैं देखता हूँ ज़्यादा छोड़ ना दो उसको. काफ़ी ब्रेक श्रेक के बाद हम निकल चुके हैं आगे, और हमें मैक्स टू मैक्स 3.5 घंटे और लगने वाले हैं, 3.5 से 4 घंटे और, क्योंकि हमने ब्रेक बहुत ज़्यादा ले लिया और प्लस हम जाम में फंस गए थे. 3 घंटे तो हमारे जाम में बर्बाद चले गए पूरे. तो अब वी थॉट कि भाई फटाफट भगाते हैं, फटाफट चलते हैं. धारी देवी डैम का बना रखा है इन्होंने, धारी देवी प्रोजेक्ट, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने डैम बना रखा है. और आगे भाई लोग बीच है, एग्जैक्टली अगर मैं आपको बोलूँ ना आगे बीच है, और ये जो रोड होगी ना और सेक्सी हो जाएगी आगे जाके, और सेक्सी भाई. ये तो बहुत चौड़ी होगी अब, बहुत ही ज़्यादा, पहले इतनी नहीं थी. एक्चुअली क्या हुआ था लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, पूरी रोड ख़राब हो रखी थी, पूरी रोड ख़राब.
अब इन्होंने यहाँ पे लैंडस्लाइड को बचाने के लिए देख रहे हो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा सीमेंटेड कर दिया ऊपर पूरे पहाड़। ओ भाई ये नए टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर दी, वो सरिये सरिये लगा दिए। नाइस, इट इज ऑल्सो नाइस भाई। एक मंदिर है, जय भगवान जी। अभी हम आ गए फ्रासू में, तो फ्रासू के बाद आगे है धारी देवी, पूरा धारी देवी टेम्पल। और एज यू नो मैं आपको मैनी टाइम्स दिखा चुका हूँ, तो इसकी एंट्री जो है वो है आगे से, ठीक है देख लो। इसकी भी है भाई बहुत बड़ी कहानी, विल टेल यू सून कि क्या है कहानी, डिस्क्रिप्शन में चेक करना, स्टोरी के साथ सब मिलेगा। यहाँ पे पाउट चल रहे थे इसको बोलता हूँ यहाँ से दर्शन ले ले, बिकॉज नीचे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से दर्शन ले ले, नीचे नहीं जा पाएंगे, नीचे जाएंगे तो लेट हो जाएंगे। धारी देवी, तो ये धारी देवी का गेट है पीछे वाला, यहाँ से लोग जाते हैं अपनी मन्नत मांगते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, हमें यहाँ रोक दिया था भाई, फिर आगे ले गए वो पुलिस वाला, 500 का चलान कटे थे 3 बाइकों के। हाँ भाई है ना, ये रोड है भाई, ये रोड है 100+ स्पीड पर आप चला सकते हैं, यहाँ देख रहे हो क्या ही जगह। ले लग गए वॉट लग गए, यहाँ पे भी जाम खाएंगे अब क्या ही सीन कर दिया, क्यों रोक दिया, क्या हो गया, वो हट जा भाई, खड़ा हो रखा पेड़ निकाल के बाहर ना पहाड़ों में जाम नहीं लगता, लग गया। मतलब मैंने शिमला मनाली तक सुना था भाई, आज उत्तराखंड में भी लग गया। किस बात का जाम है भाई ये, किस बात का और किस चीज का। अबे भाई आप समझ में आयो भाई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब समझ में आयो कि दिक्कत क्या है। अरे बोटी रुक जा भाई, हो जल्दी ने, सारे भाई आ गए, ससरी काल। अरे भयंकर डेंजरस रोड होगी ये तो। ओ भाई, अरे पाजी तो सिगरेट। अच्छा पुलिस यहाँ पे भी लगी हुई ना, रोक रहे हैं रोड की वजह से, लैंडस्लाइड है और के ना, इसलिए इन्होंने जाम लगा रखा है। अपनी जिंदगी में ना आज तक ऐसा जाम नहीं देखा था कभी भी, लैंडस्लाइड हो या ना हो, इतना अंदर जाम कभी नहीं देखा जितना आज देखा मैंने। बाप रे बाप भाई, ज़्यादा रास्ता बद्रीनाथ और नीचे जाता है केदारनाथ के लिए, तो ये गुप्त काशी रुद्रप्रयाग गुप्त काशी होते हुए लेके जाता है रास्ता। और आगे आपको एक और कॉन्फ्लुएंस दिखाऊंगा रुद्रप्रयाग का। तो गाइस रुद्रप्रयाग से निकल चुके हैं, अब सीधा पड़ेंगे हम सोनप्रयाग के लिए, जिसमें ऊखीमठ आएगा और गुप्त काशी भी आएगा, तो वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं फुल मस्ती में, फुल रिफ्रेशमेंट एक, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग्स ले लिए ना, तो फुल एनर्जी है भाई। क्या चल रहा है, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, वो देखो एक और नई टनल बन रही है, तो अब टनल ही टनल बनते जा रही है यहाँ पे। देखो दिस इज अ मंदाकिनी रिवर, और आगे कॉन्फ्लुएंस रह गया मैं आपको दिखा नहीं पाया, दैट इज फॉर टू रिवर्स अगेन, वन इज फॉर मंदाकिनी, ठीक है, एंड अनदर इज अलकनंदा। सो दे बहुत मर्ज, और उसके बाद वो बनती है अलकनंदा जो आती है सीधा आपकी देवप्रयाग तक, फिर वहाँ देवप्रयाग में नदी भागीरथी से मिलती है, एंड देन इट बिकेम आपका गंगा नदी। तो ये अगस्त मुनि 13 गुप्त काशी 40। तो भाई आप पता नहीं बाइक में यार क्या हो, भगवान प्लीज़ बाइक में ज़्यादा दिक्कत ना हो, मैं फिर अब पैसे नहीं लगा पाऊँगा इसके टैपेट और चेन लूज़ हो गई है, टाइमिंग चेन कहते हैं। वी हैड इशू, रिजॉल्व तो नहीं हुआ, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, तो हमने थोड़ा बहुत हैंडल भी ये टाइट करा रहे हैं ना, चल आके काम आ जाएगा। और ठीक है, ओके भैया, चल भाई। तो 200 रुपये लिए भाई ने हमसे, ज़्यादा नहीं लिया, ठीक है। I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want in life.